हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक मेकअप। और देखो, मैंने अभी वे फेस पे कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो मैं आप ही का वेट कर रही हूँ कि चलो आप सभी आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल कर लूँ। और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक बेसिक मेकअप, और बेसिकली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही सही रहेगी ये वीडियो। और ये मैंने बहुत ही बेसिक टेक्निक्स के साथ और अफोर्डेबल मेकअप के साथ ये वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना बेसिक मेकअप। तो उसके लिए पहले हम अपने फेस को करेंगे क्लीन। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी, मैं ऑलरेडी अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत जो डस्ट होगा उसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करी हुई है वाले वाइप्स। क्लब का टोनर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी मेरे पोर्स ओपन हैं नोज़ के साइड्स के, तो वो सब क्लोज हो जाएंगे। आफ्टर टोनर मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का ये लाइट जेल। मेरी स्किन बहुत नॉर्मल है तो मुझे ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं होती, तो मैं इस लाइट जेल से जेल को अपना मॉइस्चराइज़ करूँगी अपनी स्किन को। अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद हम अपने फेस पर यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर आप कोई भी ले सकते हैं, ये मेरा शुगर का प्राइमर है मेरे पास अभी, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी बैक का स्पॉटलाइट फाउंडेशन। और अगर आपके पास ये वाला फाउंडेशन नहीं है तो आप जो भी आपके पास है फाउंडेशन आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट मेरे को वो काफ़ी है मेरी स्किन के लिए। और ये मेरा शेड है 12 बीट ब्रेड, ये मेरा शेड है 12 बीट ब्रेड। और ये मैंने एक पम्प लिया है छोटा सा, और यही मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आपको ब्रश अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। जस्ट डैबिंग मोशन में करना है, सिर्फ हमें डैब डैब करना है। ये मैंने बेस अपना रेडी कर लिया है, उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा अंडर आई थोड़ा डार्क है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का कंसीलर। अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज को सेट। मैं ये मेरी आई शेडो पैलेट है, बट इसको मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसके ये दो कलर्स हैं तो इनको मैं यूज़ करूँगी आईब्रोज के लिए। हल्का हल्का सा लेना है बस। जब भी हम आईब्रोज पे कुछ काम करते हैं तो हमें अपना बीच से स्टार्ट करना है, मिड से स्टार्ट करना है, ना कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ना हमें आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, हमें मिड से स्टार्ट करना है काम को। अब
और ब्रश को जितना हम दूर से पकड़ेंगे उतना हमारी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, तो हमें हमेशा ब्रश को दूर से पकड़ना है। ये मैं सेम चीज अब अपनी आईज पर यूज कर रही हूँ एज अ आई प्राइमर। देखो एक सॉफ्ट सा कलर हम कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पिक कर रही हूँ दिस कलर। कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और क्रीज लाइन पर ही हमें वर्क करना है, ओनली जस्ट क्रीज लाइन। अपनी जो ये क्रीज लाइन है हमारी, हमें इसी पर वर्क। जिस ये वाला शेड हम ले लेंगे, इसमें से मैं हाथ से ले लूँ और अप्लाई करेंगे अपने लिड पर, जो हमने पार्ट को खाली छोड़ा हुआ है। क्रीज लाइन पर भी हमने वर्क किया था, बस हमने जो खाली छोड़ा हुआ पार्ट उस पर हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट ले लेंगे। ये मैंने फेसेस कनाडा की काजल ली हुई है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना, जस्ट हमें काजल को ही ब्लेंड करना है। और अब हम यूज करने जा रहे हैं अपना ब्लशर, कंट्यूरिंग और हाइलाइटर। तो उसकी एक ही पैलेट है, ये शुगर की पैलेट है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें है अपना आपका ब्लशर भी आ जाएगा, हाइलाइटर प्लस कंटूरिंग। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है ये, 700 to 800 समथिंग की मेरी पैलेट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ब्लशर, कंट्यूरिंग की मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है तो इसलिए मैं कंट्यूर कर रही हूँ। अगर आपको कंट्यूर की नीड नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। और जैसे कि मेरा फेस राउंड शेप में है तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को तो क्रीम कंट्यूर की भी बहुत ज़रूरत है, बट मैंने अभी इस ट्यूटोरियल में क्रीम कंट्यूर के बारे में आपको नहीं बताया, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आपको क्रीम कंट्यूर के बारे में। बट अभी हम करें पाउडर कंट्यूर। तो मैं यहाँ से अपनी जॉ लाइन्स पे पूरा कवर करना है ताकि मेरी ये जो डबल चिन्स हैं वो हाइड हो। को भी हमें कंट्यूर करना पड़ेगा, इसको मैं हाथ से ही कर रही हूँ शेप देते हुए। सेकंड साइड भी मैंने, अब मुझे ब्लेंड करना है इसको, तो ब्लेंड मैं इससे कर रही हूँ। करेंगे हाइलाइटर, हाइलाइटर भी मैं यही शुगर का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा लेना है, बिंच ऑफ दी नोज। इस साइड से स्टार्ट कर लूँ,
लिए लगाते हैं लैशेस। लैशेस को लगाने के लिए हमें इसको भी मिड में ही रखना है, पहले स्टार्टिंग में। करेंगे स्प्रे, ये है मेरे पास फेसेस कनाडा का स्प्रे। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आप देख सकते हो ये मैंने पार्टी मेकअप किया था, पार्टी मेकअप का ट्यूटोरियल था ये, और आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, क्योंकि ये वीडियो थी मेरी पार्टी मेकअप के ऊपर। कैसी लग रही हूँ ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना। बाय।